बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार शशि कपूर ने कई शानदार फिल्मों में काम किया था। उनके अभिनय, स्टाइल और डांस के सभी दीवाने थे। बेशक वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं और उनकी सभी फिल्में देखना पसंद करते हैं। शशि कपूर ने यूं तो अपने करियर में कई इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन साल 1995 में फिल्मी बीट को दिया गया उनका एक इंटरव्यू आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि उनकी मां रामसरनी कपूर ने अपनी कोख में उन्हें मारने की कई बार कोशिश की थी। शशि कपूर ने बताया था कि जब उनकी मां को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो वह शर्मिंदा हो गई थी। उन्होंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने तक का सोच लिया था। उन्होंने अबॉर्शन कराने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे साइकिल से गिरना, सीढ़ी से पलटना। इसका कारण ये था कि शशि कपूर एक अनवांटेड बेबी थे। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था। वह महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी रामसरनी के सबसे छोटे बेटे थे। उनके दो भाई राज कपूर, शम्मी कपूर और एक बहन उर्मिला सियाल है। शशि कपूर ने एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से शादी की थी। उनके तीन बच्चे कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर हैं। शशि कपूर ने अपने उस इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ मुझे फुल्की कहती थी क्योंकि मैं अनप्लैंड था। साल 1933 में मेरी बहन उर्मिला का जन्म हुआ था। इसके बाद मेरे माता पिता काफी खुश थे। उन्होंने आगे बताया था, जब अचानक मेरी माँ को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो ये उनके लिए काफी शर्मनाक था। वो इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने काफी कोशिश भी की थी। उस समय गर्भपात जैसा कुछ नहीं होता था। वह मुझे बताया करती थी कि वो अपने बच्चे को खोने के लिए काफी कुछ करती थी। कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। उनकी माँ की कई कोशिशों के बाद भी ये बच्चा नहीं मरा और आज ये बच्चा शशि कपूर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपको शशि कपूर के इस इंटरव्यू के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। दोस्तों, फिल्मी सितारों से जुड़ी ताजा खबरों को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।